हेलो फ्रेंड्स, अलकाज किचन कार्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज हम बनाएंगे मूली के पत्तों की चटनी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मुलायम पत्ते मूली के। मूली के पत्तों का डंठल निकाल लें और मुलायम पत्तियों को छांट बीन कर अलग कर लें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। जब आप पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें उसके बाद 3-4 बार इसे अच्छे से धो लें ताकि इसमें चिपकी हुई मिट्टी और गंदगी निकल जाए। अब आप मिक्सी के जार में 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती और मूली की कटी हुई पत्तियां भी डाल दें। अदरक के टुकड़े भी इसी में थोड़े से डाल दें और थोड़ा सा इसमें नमक डालें अपनी इच्छा अनुसार और उसके बाद इसे महीन पीस लें। अगर पीसते समय कोई समस्या हो तो इसमें थोड़ा पानी मिला के पीस लें। अब आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला दें। लीजिए, आपके मूली के पत्तों की चटनी बनके तैयार है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो खाइए और खिलाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।